आपका व्यू क्या है इस वक्त एनटीपीसी पे, क्या इस रिवर्सल को खेलना चाहिए? आई थिंक खेलना चाहिए वीरेन, दिस इज अ कॉन्ट्रा ट्रेड सेटअप। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो 3 दिन का हाई यहाँ पे जो है वो एक ही टिक में निकल गया है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड मिलेगा, रिलीफ रैली मिलेगी, जिसका टारगेट होगा 335। सो एट अ लेवल ऑफ 322 आपको बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 315, यानी जो ब्रेकआउट हमने पकड़ा वही हमारा स्टॉप लॉस होगा, और लॉन्ग करेंगे 335 टारगेट। चलिए अब एक बार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स देख लेते हैं, HPCL, BPCL। शरद जी, HPCL, BPCL, एक व्यू ये बन रहा था कि अगर तो ब्रेंट के प्राइसेस नहीं बढ़े होते तो 2 रुपए की प्राइस कट कोई बहुत ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होना चाहिए था स्टॉक्स के लिए, लेकिन हमने क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस गिर चुके थे इस एंटिसिपेशन में कि प्राइसेस कट होंगे। शरद जी, तो अब क्या व्यू बन रहा है आपका इस समय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेकर, क्या इस करेक्शन में बाय किया जाए? देखिए, इसमें 3-4 चीजें प्ले आउट कर रही हैं। एक तो जो रशियन क्रूड के में इनको डिफरेंस मिल रहा था वो काफी हद तक कम हो गया है। मेरे हिसाब से पीक पे $15 के आसपास था, अभी वो सिर्फ $2 के आसपास रह गया है। इसके अलावा ये जो प्राइस कट आया, इसकी वजह से जो मार्केटिंग मार्जिन थी, खास करके डीजल में जो लगभग शायद मेरे हिसाब से 2/3 के आसपास ऑफ टोटल इनके सेल्स में कंट्रीब्यूट करता है, तो वहाँ पे इनकी मार्जिन लगभग डीजल की लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे चली गई है। पेट्रोल में अभी भी मेरे हिसाब से 2 रुपए के कट के बाद भी मार्जिन ठीक ठाक हैं, बट डीजल जो कि मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यूज है वहाँ मार्जिन में कट आ गया है। तो फॉरवर्ड नंबर्स में आप ये मान के चलिए कि मार्केटिंग मार्जिन में काफी बड़ा कट इन कंपनीज को देखना पड़ेगा। प्लस जैसा कि आप बोल रहे थे कि क्रूड की प्राइसेज ऊपर है, तो अब चूंकि रॉ मटेरियल सोर्सिंग भी कम है अभी, हालांकि बहुत बड़ा पोर्शन हमने वेनेजुएला में शिफ्ट कर दिया है, बट अप्रैल ऑनवर्ड्स मोस्ट प्रोबेबली यूएस की कुछ सैंक्शंस की रिन्यूअल वगैरह की न्यूज है वो भी डिपेंडेंट है। प्लस अब चूंकि आचार संहिता लागू हो गई है तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस से रिलेटेड कोई खास मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। तो मुझे लगता है अगले 1-2 महीने मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा कैप्ड है इन टर्म्स ऑफ न्यूज फ्लो, और अगर वेनेजुएला वाली सैंक्शंस वापस से आ जाती है, क्योंकि भारत वापस से काफी बड़ा बायर निकल के आया है वेनेजुएला से, और रशियन क्रूड में जो डिस्काउंट था वो भी खत्म हो गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले क्वार्टर वाली कमेंट्री भी आपकी बहुत सबड्यूड रहेगी। प्लस रशिया यूक्रेन टेंशंस की वजह से वहाँ के रिफाइनरीज पे जो अटैक्स वगैरह हो गए वो एक अनदर एक और लेग ऑफ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें ऊपर जा रही। तो मुझे लगता है शायद अगले 2-3 महीने थोड़ा सा सबड्यूड रहे यहाँ पे एनवायरमेंट, जो ऑप्टिमिज्म था वो ओवरप्ले हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आपको अभी बहुत जल्दी में यहाँ पे कोई पोजिशंस लेनी चाहिए। 8-10% और नीचे मिलता है तो मुझे लगता है वहाँ पे ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट बेट्स लेने के लिए काफी बढ़िया आइडिया हो जाएगा, बट ज्यादातर जो टेलविंड्स थी वो हेडविंड जैसी नजर आ रही है एट दिस पॉइंट इन टाइम, और जो वैल्यूएशन कंफर्ट आज से 6 महीने साल भर पहले था वो काफी डिसेंट था, अब वो उतना ज्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है अभी टेम्पररली आपको अवॉइड करना चाहिए, एटलीस्ट मेरे हिसाब से पोस्ट इलेक्शन आपको एक ज्यादा क्लियर पिक्चर इमर्ज होगी, और वेनेजुएला वाला जो एंगल है मेरे हिसाब से नियर टर्म ट्रिगर वो होना चाहिए अप्रैल ऑनवर्ड्स, वो कैसे बिहेव करता है वो हम देखना चाहेंगे।